हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, हर सिविल इंजीनियर ने इसके बारे में सुना होगा और बहुत बार देखा भी होगा। आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों फॉर्मवर्क के बारे में। अब फॉर्मवर्क आपने साइट पर सुना ही होगा, बट इसमें क्या है, आपके मन में क्या है, बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि फॉर्मवर्क के अंदर भी हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका शटरिंग है, सेंटरिंग है, स्टेजिंग है। इन तीनों में क्या है दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि ये तीनों क्या हैं, आपस में रिलेशन तो है बट ये चीज़ें है क्या क्या। जब भी हम किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो बहुत बार ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि शटरिंग, सेंटरिंग, स्टेजिंग में इन तीनों में क्या अंतर है। जब भी हम कोई कॉलम कास्ट करते हैं जो उसमें प्लाईवुड यूज़ हो रही होती है उसी को हम शटरिंग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, आपस में रिलेट तो करती हैं बट इन तीनों के क्या है दोस्तों, फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि शटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है और स्टेजिंग क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फॉर्मवर्क से। अब दोस्तों, फॉर्मवर्क होता क्या है, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कोई भी हमें कोई कॉन्क्रीटिंग करनी है तो उसके लिए क्या है दोस्तों, एक हमें फ्रेम बनाना होगा। जैसे कि आपकी फुटिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों साइड से उस फुटिंग को कवर करना पड़ेगा। तो उस फुटिंग को कवर कैसे करेंगे, प्लाईवुड के थ्रू। ये एक तरीके का टेम्परेरी मोल्ड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर हमें बर्फ जमानी है तो बर्फ में जमाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं। अब उस बर्फ को किस तरीके का शेप देना है, जैसे कि अगर आपको बर्फ जमानी है तो आप किसी ट्रे में जमा सकते हैं, या फिर आपकी जो आइस क्यूब की जितनी भी ट्रेज आती हैं उसमें आप जमा सकते हैं, ग्लास में जमा सकते हैं, बट उसको जमाने के लिए दोस्तों कोई टेम्परेरी मोल्ड तो चाहिए होगा ना। ऐसे ही कॉन्क्रीटिंग में भी सेम चीज़ होती है। जैसे कि अगर हमें फुटिंग डालनी है तो फुटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी मोल्ड क्रिएट करना पड़ेगा, चारों साइड से कवर करना पड़ेगा, तब जाके उसमें कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ेगी। ऐसी अगर हम रिटेनिंग वॉल की बात करें तो वहां पर भी क्या है, आपको चारों साइड से कवर करना पड़ेगा, फिर कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ेगी, तभी तो कॉन्क्रीटिंग उसका शेप ले पाएगी। इसी चीज को हम फॉर्मवर्क बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि शटरिंग क्या होता है। अब दोस्तों, शटरिंग क्या होता है, एक तरीके से मान लीजिए कि शटरिंग हमारा किस किस जगह पर यूज होता है, जहां पर भी हमारा वर्टिकल मेंबर यूज होते हैं। जैसे कि वर्टिकल मेंबर से मैं बात करूं कॉलम की या फिर फुटिंग की, जितने भी हमारे वर्टिकल फेस पे प्लाईवुड लगती हैं, मतलब कि आपके दो साइड यहां पर है और दो साइड यहां पर है, तो इन चारों साइड पर अगर हमें प्लाईवुड लगानी है तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, वो हमारी शटरिंग कहलाएगी। चाहे वो आपका वर्टिकल मेंबर कोई भी हो सकता है, कॉलम हो सकता है, फुटिंग हो सकती है, या फिर आपकी रिटेनिंग वॉल हो सकती है, ठीक है। तो वर्टिकल मेंबर में हम क्या करते हैं, आपका शटरिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो प्लाईवुड के जो भी आप पीस लगाएंगे उसको हम शटरिंग बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मेंबर के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सेंटरिंग की। सेंटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग में भी दोस्तों क्या करते हैं, हम प्लाईवुड का ही यूज करते हैं, बट उसका क्या है दोस्तों, डायरेक्शन बदल जाता है। जैसे कि सेंटरिंग का अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका बीम होता है, बीम के क्या है दोस्तों, अगर हम फ्लोर बीम की बात करें तो फ्लोर बीम में हमारी क्या है, तीन साइड पर हमारी फॉर्मवर्क लगाई जाती है, दो हमारे ऐसा वर्टिकल फेस पे और एक हमारा बॉटम पे। तो जो हमारा बॉटम पे प्लाईवुड लगता है उसको हम बोलते हैं सेंटरिंग, ठीक है। जो हमारा बॉटम पे प्लाईवुड लगेगा उसको बोलते हैं सेंटरिंग, मतलब कि हॉरिजॉन्टल पार्ट पे जितना भी हमारा प्लाईवुड लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सेंटरिंग। जैसे कि बीम का बॉटम पार्ट है और फिर क्या होता है, हमारा स्लैब का बॉटम पार्ट है, स्लैब में हमारी जितनी भी शटरिंग लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटरिंग बोलेंगे। इसमें दोस्तों आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। वर्टिकल जितना भी आपका फ्रेम तैयार होगा वो आपका शटरिंग में जाएगा, और जितना भी आपका हॉरिजॉन्टल फ्रेम तैयार होगा वो आपका सेंटरिंग में जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेजिंग की। अब ये स्टेजिंग क्या होता है, स्टेजिंग एक तरीके से मान लीजिए सपोर्ट के लिए काम में आता है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो जब हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो एक प्लाईवुड इस तरीके से लगाते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल पोर्शन में लगाते हैं। जो हमने स्लैब पे प्लाईवुड लगाई है और मान लीजिए हमने उसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है तो क्या होगा, जितना भी कॉन्क्रीटिंग आएगा तो उसके वेट से क्या है, वो प्लाईवुड नीचे गिर जाएगा। तो उसको संभालने के लिए दोस्तों क्या है, हमें इस तरीके से प्रॉप जैक लगाने होते हैं, जैसे कि हमने दूसरी साइटों पर देखा होगा। तो हमें क्या करना होता है, तो जो हमारी स्टेजिंग होती है वो क्या काम करती है, जितने भी हमारे वर्टिकल पोर्शन होते हैं उसको सपोर्ट करने के काम में आती है। स्टेजिंग मतलब समझ ही गए होंगे, एक तरीके से स्टेज तैयार करना, किसके लिए, जब भी हमारा कोई वर्टिकल लोड आ रहा हो। जैसे कि अगर आपने कोई स्लैब कास्टिंग करवानी है तो उसका जो आपको फॉर्मवर्क लगवाना है, वर्टिकली जो फॉर्मवर्क लगाना है उसके नीचे आपको प्रॉप जैक लगाने होते हैं और अच्छे से स्टेजिंग करनी होती है। जैसे आपका कपलॉक सिस्टम हो गया या फिर आपका प्रॉप और जैक के थ्रू आपको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके नीचे क्या है, हमें स्लैब के कास्टिंग के नीचे हमें क्या करना पड़ता है, पूरा आपका एक स्टेज तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या है, आपस में रिलेट तो है बट तीनों के काम अलग अलग हैं, किसके,
शटरिंग के, सेंटरिंग के और आपका स्टेजिंग के, इन तीनों चीजों को मिलाकर हम इसको फॉर्मवर्क का नाम दे देते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।